नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। बात करेंगे 18 जुलाई 2019 की। आपको आगे बढ़ने से पहले सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करें कि आपको जीवन में सारी खुशियां हों। सावन की एक वीडियो मैंने बनाकर डाली थी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और चैनल में बहुत सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं सावन के ऊपर, आप उन वीडियोज़ को देखें और वो उपाय करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। देखिए, अभिजीत मुहूर्त रहेगा कल 12 बजकर से लेकर 12 बजकर 54 मिनट तक, 2 बजकर 9 मिनट से लेकर 3 बजकर 51 मिनट तक आपको राहु काल रहेगा। तो मेष राशि वालों का देख लेते हैं कि मेष राशि वालों का कैसा रहेगा कल। काफ़ी अच्छी ऊर्जा के साथ काम करते हुए दिखाई देंगे, काफ़ी अच्छे पार्टी के मूड में दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कल रिलैक्स होते हुए कल दिखाई दे रहे हैं, जो कि कहूँगा काफ़ी अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं इस रिलैक्सेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए, थोड़ा सा आंखों की तरफ ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से थोड़ा सा आंखों पर जोर पड़ रहा है और ख़ासतौर से अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो विशेषकर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपकी लव रिलेशनशिप की बात है, वो मुझे कुछ ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, स्थितियाँ सुधर जाएंगी। हालाँकि जो स्थिति है कैरियर में, अभी थोड़ी सी बेचैनी है आपको, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये बेचैनी भी आपकी कम होती हुई जाएगी। दिन कुल मिलाकर वैसे तो ठीक है। वृषभ राशि, अपने जीवन पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए, नियंत्रण करिए और कोई क्या कह रहा है इस बात पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप हर एक आदमी को खुश नहीं रख सकते। अपनी इच्छाओं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करें तो बेहतर आपको रहेगा। देखिए, रोमांटिक लाइफ आपकी कुछ आराम से चल रही है और ये मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आपको और उसमें इंक्लूड होने की ज़रूरत है। अभी आपको वैसे धीरे धीरे ही चलना है, ज़्यादा उसमें तेज़ी आपको नहीं दिखानी है। अपनी बेचैनी को रोमांस और प्यार के इजहार में थोड़ा सा लगाएं, बेहतर रहेगा। समस्या जो है में आप घिर जाते हैं, न जाने कोई ऐसी बातें होती हैं आपके साथ जिससे आप कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं और आपकी जो आदत है दूसरों की हेल्प करने की, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कई बार घातक हो जाती है। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। मिथुन राशि, आप अंदर से कुछ डरे हुए से लग रहे हैं और ये मुद्दे ऐसे हैं कि यहाँ घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। वर्तमान समस्याएं ऐसी हैं जिसमें आप जिम्मेदार नहीं हैं, दूसरे जिम्मेदार हैं। तो इस चीज़ को समझिए और अपने आप को थोड़ा सा और मोटिवेट करके चलाइए। कल गाड़ी चलाते समय बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ यहाँ पर दिक्कतें दिखाई देती हैं। जहाँ तक प्रेम संबंधों की बात है, कुछ परिवर्तन यहाँ पर आ सकते हैं और कहीं ना कहीं जो दुर्व्यवहार है थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है आपके घर की तरफ से। तो यहाँ पर विवादों को बिल्कुल भी हवा ना दे तो बेहतर रहेगा। थोड़ा सा खर्चा कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो खर्चों पर भी कंट्रोल आपको कल करना पड़ेगा। कर्क राशि, देखिए आज आप कल्पना से भरे रहेंगे और कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ों के बारे में विचारशील रहेंगे। कार्यस्थल की ओर से कुछ यात्राओं का मौका मिलेगा और आपकी जो रोमांटिक प्रवृत्ति है वो उजागर होगी। देखिए, आपने अपने को थोड़ी सी ढील दी है और वहाँ पर आपको थोड़ी सी व्यवहारिकता और दिखानी होगी। जब आपने उनको कुछ चीज़ों के अलाउ किया है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लोग आपके पास सहानुभूति के लिए आएंगे और आपको कुछ गलती करने पर मजबूर कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको सजग रहने की ज़रूरत है। एक दोस्त, एक गाइड के रूप में आपको एक नया विकल्प मिल सकता है और अपने कैरियर को चुनने के लिए आपके लिए सही समय रहेगा। आज पेशेवर तरीके से आप काम करते हुए दिखाई देंगे। स्थितियाँ काफ़ी बेहतर आपके लिए होती हुई दिखाई देती हैं। सिंह राशि, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी और कहीं ना कहीं आप अपनी योजना के अनुसार काम कर पाएंगे और कहीं ना कहीं ये योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी। सहकर्मियों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। आज वित्त संबंधी कोई फैसला भी आप ले सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। थोड़ा सा वजन की तरफ ध्यान दीजिए, वजन थोड़ा सा बढ़ रहा है। आज का दिन कुछ पारिवारिक कार्यकलापों के लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। अपने बच्चों को कुछ पार्क इत्यादि ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने माता पिता के साथ आपकी स्थिति बेहतर हो रही है। आज आप एक लापरवाह और सतर्क अवस्था में रहेंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं। थोड़ा सा गंभीर रहें अपने काम के प्रति और अपने पार्टी में अगर आप जा रहे हैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो वैसे भी आप रहते ही हैं और कल आपके कपड़ों की तारीफ आपको सुनने को मिल सकती है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों, बदलती हुई सोच शायद आपको कुछ संतुलन लेकर आए। कुछ नई तरीके से सोच आपकी बनी है और ये सोच काफ़ी अच्छी है। करीबी दोस्त से मुलाकात हो सकती है और कुछ समाधान आपको मिल सकता है। इन बदलावों से आपको आराम मिलेगा और कहीं ना कहीं आपकी स्थिति बेहतर रहेगी। ये समय कुछ साहसी कदम उठाने के लिए बिल्कुल ठीक है। खुश मिजाज रहकर संबंधों का आनंद लेने का समय है। अपने आप स्वभाव को गंभीर रखना ज़्यादातर आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। आप सब चीज़ों को
छुपे तरीके से ढूंढना बंद करें और थोड़ा सा अपने रिलेशन का इंजॉयमेंट करें। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी कल आपका दस्तक दे सकती हैं, जो लंबित कार्य पड़े हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर निपटा लें कल तो बेहतर रहेगा, जिससे आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ थोड़ा सा फोकस यहाँ पर कर पाएँ। तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा और कहीं ना कहीं आपके जीवन में और कैरियर में आप संतुलन बना पाएंगे। आज चिड़चिड़े तथा थोड़े से बीमार महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये पेट की तकलीफें हैं, ध्यान देना होगा आपको अपने खाने के ऊपर। अब समय आ गया है कि अपने पार्टनर के साथ कुछ मुद्दों पर बात कीजिए, अगर कोई दिक्कतें चल रही हैं तो सुलझाने का प्रयास कीजिए। ये बातें आगे चलकर बड़ा रूप न ले लें, इस बात की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में जटिलताओं से बचने के लिए भूतकाल यानी कि पास्ट एक्सपीरियंसेस आपकी कल मदद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिन कुल मिलाकर ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वृश्चिक राशि वालों, वित्तीय लाभ की सूचना मिल सकती है और जिससे परिजनों को भी खुशी हो सकती है और ये भावना आएगी, ये और सबके लिए अच्छा है। आप खुश मिजाज और आकर्षक रूप से नए लोगों के साथ मिल रहे हैं और नए अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं और कहीं ना कहीं परिवार और घर की बनावट में ये चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज विशेष रूप से शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति में बदलाव की स्थितियाँ बन रही हैं, जो कि अविश्वसनीय तरीके से आपका मानसिक शक्ति का अनुभव आपको करा रही हैं। आज का दिन रोमांटिक संबंध के लिए आप नहीं दे पाएंगे और दूसरों के पारिवारिक संबंधों में आप बिजी रहेंगे। आज माता पिता के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होते हुए दिखाई देगी और कहीं ना कहीं आपको एक उपहार मिलने की उम्मीद आप रख सकते हैं। आज का दिन काफ़ी उत्तम है आपके लिए, अच्छा रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात दिखाई मुझे नहीं देती। धनुराशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आने वाली है जब आपको सीधे तुरंत और सक्रिय होकर फैसले लेने होंगे और ये स्थिति शुरुआत में आपको मुश्किल लग सकती है, परंतु आसानी से आप इसको संभाल लेंगे। देखिए, आपकी कार्य स्थल पर तनाव बढ़ रहा है, जैसे स्वास्थ्य की दिक्कत है, जैसे सरदर्द जैसी दिक्कतें कल आपको हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ भी लगाव उस समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि आपका फोकस किसी और जगह डिस्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, काम की तरफ आपका फोकस ज़्यादा है, इसलिए आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा संभाल कर देख कर चलाने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं अपने उस आकर्षण को वापस पाने की ज़रूरत है जो आपके बीच में और आपके लव पार्टनर के बीच में हुआ करता था। अगर आपके कुछ प्रयास बीच में दिनों में बेकार गए हैं, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कामों में लगे रहें, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप बिगड़े हुए कामों को आसानी के साथ बना सकते हैं। मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आज आप गंभीरता पूर्वक और मेहनत करने का दिन रहेगा। जो काम काफ़ी लंबे समय से अटक रहे थे और उनको आप संतोषजनक तरीके से काम कर पाएंगे, इससे आपको कई सारे अवसरों की प्राप्ति होगी। आज आप किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की नज़रों में आ सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। आज आपका दिन काफ़ी रोचक रहेगा और कहीं ना कहीं खुश मिजाज आदमी के साथ आप डेट करते हुए दिखाई देंगे और अपने रूटीन में बदलाव लेकर आते हुए दिखाई देंगे। आपको अपनी लव लाइफ में बदलने के अंदर खुद के अंदर बदलाव लेकर आने होंगे। आज आपका ध्यान कहीं भटक सकता है और आपको लगेगा कि आप अपने कार्यों को पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कुछ पीछा होने की दिक्कत आपको आ सकती है, लेकिन आप धीरे धीरे सारे कामों को निपटा लेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और कहीं ना कहीं स्थितियाँ आपकी दिन के अंत तक जो है वो सुदृढ़ होती हुई मुझे दिखाई देती है। कुंभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं, कुंभ राशि वालों, आपका अधूरा काम पूरा करने के कल आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। आपकी जो दूसरों की परेशानियां हैं उनकी चिंता आप ना करें, आपसे कई लोगों की परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन सबको संतुष्ट करना आपके बस की बात नहीं, इसलिए अपने काम से काम रखें। देखिए, तर्क और वितर्क जो होते हैं वो कभी किसी सोल्यूशन की तरफ आपको लेकर नहीं जाते, तो ध्यान रखें कि सहयोग बनाकर चलें तो बेहतर रहेगा और अपने साथी के साथ उन मुद्दों को पर बात करना थोड़ा कम करें जो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत जो है तलब होता है। आज का दिन आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आपको दे सकता है। आपको सहकर्मियों के साथ आगे निकलने के लिए कुछ नया सीखना होगा, दिन जो है वो कुछ नया सीखने की तरफ आपको यहाँ पर संकेत देता है, आपको नया सीखने की ज़रूरत रहेगी, अपडेट कीजिए अपने स्किल्स को। मीन राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आज एकाग्रता और विचार शक्ति के साथ आप काम करते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं लोग आपकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील भी रहेंगे। कुछ मतभेद सुलझाने के लिए आपको मदद मिलेगी, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आ सकते हैं जो काफ़ी तरीके से आपके साथ हैं। देखिए, प्यार और रोमांस में थोड़ा सा आपको संतुलन बनाकर चलना होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं, इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आपको जगह नहीं देनी है। कुल मिलाकर दिन वैसे ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कैरियर पे फोकस रखें और आँख नाक कान खोले रखें। तो दोस्तों, ये हुआ एक छोटा सा अवलोकन। 9411848508।
bhattagravy24@gmail.com पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखते रहिए इसी तरह चैनल को, मैं आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आऊँगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।